पंजाबी विच किन्ना इकाइयां दरमियान व्याकरणक मेल स्थापित नहीं हुंदा नाव अते विशेषण शब्द अते उपवाक दे दरमियान वाली व्याकरणक इकाई नूं आखदे हन वाकंश। शब्द दा तुलनात्मक स्वरूप शब्दार्थ है अते इस दा प्रकारजी स्वरूप है रूपग्राम पावंश। भाषा दा वास्तविक स्वरूप हुंदा है मौखिक उचार। भाषा दा अध्ययन प्रमुख तौर ते अध्ययन है मौखिक भाषा दा। पंजाबी भाषा स्रोत ते स्वरूप बूटा सिंह बराड़ दी लिखी हुई है जी। भाषा विज्ञान पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि शहरी सिंह ते ब्रह्म जगदीश जी दी लिखी हुई है। भाषा ते भाषा विज्ञान हरकीरत सिंह जी दी लिखी हुई है। पंजाबी भाषा विज्ञान काला सिंह बेदी जी दी लिखी हुई है। ये जिहड़ी अगों हैगी है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण इहदे विच तुहानूं मैं एक दसांगी, पहले चलो ये कर लें। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की स्थापना हुई सी 1969 विच। पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना की स्थापना हुई सी 1954 दे विच। पंजाबी नू राज भाषा का दर्जा मिलिया 1966 विच। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ स्थान ग्रहण 1956 विच। अगो पटियाला स्टेट वालों पंजाबी भाषा नू मानता 1948 विच। भाषा के आधार पर नवी पंजाब की स्थापना 1966 विच। भाषा विभाग पंजाब पटियाला की स्थापना 1956 विच। पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना की स्थापना 1954 विच। ये जिहड़े मैं तुहानू दित्ते इन्हां नू नोट जरूर कर लियो। इन्हां विचों एक अद्धा क्वेश्चन श्योर है एग्जाम विच जरूर होएगा। मैं तुहानू दस दिनी हां एक्चुअली की है कि जिहड़े पिछले पेपर आए हुए ने पिछले सालां दे, मैं उन्हां पेपर्स दे ब्लू प्रिंट चैक किए सी। ब्लू प्रिंट लाइक वो ब्लू प्रिंट जिहड़े यूनिवर्सिटी वाले दिंदे नहीं है, मतलब कि जिहड़े एग्जाम साडे लैंदे आ मास्टर ग्रेडर्स वगैरह दे, ब्लू प्रिंट्स नहीं दिंदे, जस्ट सिलेबस दिंदे। बट मैं खुद इन्हां दे ब्लू प्रिंट्स चैक किए सी, क्योंकि कोई भी पेपर जिहड़ा है विदाउट ब्लू प्रिंट सैट जिहड़ा नहीं हुंदा। मैं सारियां क्ला जिहड़े ने मास्टर ग्रेडर हो गए, लैक्चरार हो गए, सठ है चाहे, उन्हां दे पेपर लैके मैं चैक किया कि फर्स्ट क्वेश्चन किरे नाल रिलेटड है, सैकेंड क्वेश्चन किरे नाल रिलेटड है, जिस करके मैं ये पता चल गया सी कि हाँ जी भी आधुनिक काव्य विचों इन्ने मार्क्स का पेपर आ रहा है, किस्सा काव्य विचों इन्ने मार्क्स का पेपर आ रहा है, जां इन्हां विचों किहड़े किहड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं तुहानूं कुछ हिंट्स भी दवांगी, वो हिंट जरूर ध्यान में रखियो, वो आने वाली वीडियो में दवांगी। तो तुहाडे नाल ब्लू प्रिंट जो मैं सर्च किए हुए ने वो जरूर शेयर करांगी। इसलिए जो जो चीज़ मैं तुहानूं नाल दी नाल कहनी है ना इंपॉर्टेंट, वो जरूर ध्यान में रख लिया करियो, क्योंकि उहदे नाल मिलदी जरूर वो चीज़ पेपर विच होएगी। जे तुहानूं मैं कहा कि हाँ इन भाषा दे नाल रिलेटेड किहड़ी स्टेट बनी जां किहड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है जां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कदों हो रही है, ये क्वेश्चन जिहड़े ने अपने आप विच बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। इस करके इन्हों का वन की कहिंदे ने इन्हां विचों एक अद्धा क्वेश्चन जरूर होएगा, इन्हां नूं अच्छी तरह याद रख लियो। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की स्थापना 1969 च, मैं दोबारा फिर रिपीट करवा रही हूँ। पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना की स्थापना 1954 विच। पंजाबी नूं राजभाषा दा दर्जा मिलिया 1966 विच। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ स्थान ग्रहण 1956 च। पटियाला स्टेट वालों पंजाबी भाषा नूं मानता 1948 च। भाषा के आधार पर नवी पंजाब की स्थापना 1966 विच। भाषा विभाग पंजाब पटियाला की स्थापना 1956 च। पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना की स्थापना 1954 विच। अच्छा मैं तुहानूं ना एक चीज़ दस्सियां, मतलब कि जिवें कहिंदे बड़ी स्ट्रोंग इंटेंशन हुंदी है, तीन जिहड़े ने मेरे माइंड च आ रहे इन्हां तिन्नां विचों एक जरूर होएगा। GNDU की स्थापना 1969 विच होई सी, 1969 च। उदों PSEB पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना भी 1969 विच होई सी, ठीक है। थर्ड पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना की स्थापना 1954 विच होई सी। यह तीन जिहड़े ने अपने माइंड विच जरूर रखियो, मैनू बड़ी स्ट्रोंग इंटेंशन है कि इन्हां तिन्नां विचों एक अद्धा होएगा ही होएगा, और ज़्यादातर मैनू PSEB लगता है कि यह जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नाल रिलेटेड है। जिहड़ा साडा 3582 वाला पेपर आया सी उहदे विच क्वेश्चन सीगा कि हाँ जी पटिया जिहड़ी पंजाबी भाषा की मानता जिहड़ी है वह कदों मिली, तो ओबवियस है इस बार मैनू लगता PSEB वाला जरूर होएगा। JB सिंह ने लिखी है गुरमुखी लिपि का जन्म ते विकास। काला सिंह बेदी लिपि का विकास। प्यारा सिंह पदम गुरमुखी लिपि का इतिहास। ब्रह्म जगदीश सिंह पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि। नेक्स्ट दुनी चंद जी ने लिखी है
पंजाबी भाषा का विकास, सन सिंह सेखों जी ने लिखी है पंजाबी बोली का इतिहास, प्रेम प्रकाश सिंह जी ने लिखी है पंजाबी भाषा का जन्म ते विकास, तरलोचन सिंह बेदी पंजाबी लिपि का जन्म ते विकास। भारतीय काव्य शास्त्र अनुसार काव्य का प्रकार है धर्म अर्थ काम मोक्ष। काफ़ी UGC नैट में यह क्वेश्चन बहुत बार आया होया, भारतीय काव्य शास्त्र अनुसार काव्य का प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष। मुक्तक काव्य का आधार है वृतांत। तुनी सिद्धांत का संस्थापक है आनंद वर्धम। रस निष्पत्ति का आधार है विभाव अनुभाव विपचारी का संयोग। संरचनावाद का किस प्रणाली नाल नेड़ला संबंध है? मनोविज्ञानक प्रणाली। चिन्ह विज्ञानक प्रणाली का मोढ़ी विद्वान है ससियूर। नाट्य शास्त्र का निर्माता है भरत मुनि। रीति संप्रदाय का मोढ़ी है वामन। काव हुंदा है कवि परख। यह दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, याद रखियो नाट्य शास्त्र भरत मुनि, रीति संप्रदाय वामन, ठीक है? दोनों नाट्य शास्त्र भरत मुनि, रीति संप्रदाय वामन। काव हुंदा है कवि परख, मतलब कि कवि ना रिलेटेड। काव दे तत्व विचार भी शामिल हुंदा है बुद्धि तत्व, क्योंकि जो विचार आ जाएगा वह बुद्धि दे नाल रिलेटेड होएगा, जो कल्पना आएगा वह दिल दे नाल रिलेटेड होएगा। मनोभाव किस काव तत्व शामिल है? भाव विच। कवि का अनुभव किस काव तत्व आउंदा है? बुद्धि। साधारणीकरण का संबंध किस संप्रदाय नाल है? रस, याद रखियो साधारणीकरण रस। आलंबन भेद है विभाव का, उद्दीपन भेद है विभाव का। वीर रस विच आलंबन केड़ा है? बहादुर योद्धा। रूपक प्रतीक दा है सहायक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक बिंब दा है सहायक। अनुभाव दे सही प्रकार हन आंगिक वाचक आहारिया सात्विक। रूपक बन सकता है प्रतीक। केड़ा छंद वर्णिक हुंदा है कवित। केड़ा छंद अरबी तो आया है बैंत। रस नू काव दी आत्मा किसने क्या है? भरत मुनि। विश्वनाथ ने किस तुनी दू काव दी आत्मा मनिया है? रस तुनी। हुण असी पिछे पढ़िया सीगा कि जड़ा नाट्य शास्त्र है वह किरा है, वह है भरत मुनि जी का। तो उहदे नाल ही साडा क्वेश्चन है रस नू काव दी आत्मा किसने क्या है? भरत मुनि। विश्वनाथ ने किस तुनी नू काव दी आत्मा मनिया है? रस तुनी। स्फोट सिद्धांत का संबंध है तुनी। काफ़ी केड़ा रूप है प्रगीतक। अलंकारा नू काव दी आत्मा सब तो पहला किसने कहा? मम्मट।